हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज वो डेट आ गया जिसका हम सब इंतज़ार करते हैं, मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं आने का। एंड आई होप आपका भी ये डे जल्दी आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो फाइनली मेरा आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया एसएससी एमटीएस का। एंड इससे पहले भी मैंने एक वीडियो व्लॉग टाइप का बनाया था, बट उसको मैं नहीं अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि उसको मैं स्टार्ट तो किया था मन से, लेकिन फिर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा इशू आ गया जिसकी वजह से मैं हैरान परेशान हो गया। तो उसके बाद मैं उसको वहीं पे रोक दिया। एंड इसमें मैं आपको अपना बस आपको ये बता दूंगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ एंड मेरे को क्या प्रॉब्लम आया एंड कितना टाइम लगा, एवरीथिंग मैं बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो मैं पहले गया अंदर एंड वहाँ पे बस आईडी देखे, आधार कार्ड देख रहे थे एंड उसके बाद आपको एंट्री मिल जा रहा था। ये एनआर का सीन बता रहा हूँ, मैं एनआर से हूँ तो मैं एनआर का सीन बता रहा हूँ। तो मेरा बैच 1 था, बोर्ड 12 था। तो मैं अंदर एंट्री किया तो उसमें टोटल 12 बोर्ड थे, तो सारे स्टूडेंट्स को एक रूम में बैठा दिए थे। मतलब अराउंड कितना होगा, 350 के लगभग स्टूडेंट्स होंगे एंड काफ़ी अच्छा अटेंडेंस था एनआर में। 85 से 90% के अप्रॉक्स में, जहाँ तक मैंने देखा कि 85 से जितना सीट था वो रूम में सारा फुल हो चुका था एंड सारे बच्चे आए हुए थे तो बैच 1 का। तो उन्होंने एक घुसने वक्त हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जिसका मैं आपको स्क्रीन पे अटैच कर दूंगा, मैंने उस समय फ़ोटो क्लिक कर लिया था। तो डिक्लेरेशन फॉर्म दिए थे तो उसको मैंने फिल कर लिया एंड उसके बाद फिल करने के बाद वो कुछ बता नहीं रहे थे कि कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। तो उसको मैं फ़ोटो क्लिक करके ले आया हूँ, तो उसको भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा कि कैसे उसको अरेंज करना है। तो आप उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपसे मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। एंड जो ऐसे सीरियली अरेंज नहीं करके जा रहा था उसका तो वाट लगा रहे थे, तो उसके बाद सुना रहे थे उसको। तो सीरियली अरेंज कर लीजिएगा, ऊपर में जेरोक्स रहेगा, नीचे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा। तो जब एक एक बोर्ड का बुला रहे थे, बोर्ड 1 का एक स्टूडेंट आ जाओ, बोर्ड 2 का एक स्टूडेंट आ जाओ। तो जैसे ही मेरा बोर्ड 12 का ये एक स्टूडेंट को बुलाया तो उसमें मैं गया, तो उसमें उन्होंने पहले जेरोक्स देखा, सारा जेरोक्स देखा एंड ओरिजिनल मांगा। सब कुछ मैंने डॉक्यूमेंट सारा सही था, EWS वगैरह सब कुछ सही था, बस मेरा जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें मेरा ICSE बोर्ड है, तो उसमें डेट ऑफ आपके सर्टिफिकेट में आप चेक कर लीजिएगा डेट ऑफ इशू होगा, लेकिन मेरे में नहीं है। एंड 2014 तक डेट ऑफ इशू नहीं दिया जाता था ये 10th के सर्टिफिकेट में, तो मेरे में नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारा कब सर्टिफिकेट इशू होगा। तो मैंने अपने बोर्ड को इसके बारे में पहले ही बोल दिया था एंड मेल से एक मंगा लिया था कि ये डेट में मेरा इशू हुआ है, तो उन्होंने दे दिया। तो उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में जेरोक्स लेके गया था, तो उनको मैं दिखाया तो मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि ये कैसे मान लें कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो फिर मैं बोला ठीक है मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, मेल में दिखाया तो बोले हाँ ठीक है ओरिजिनल तो है, लेकिन आप इसका एक काम करो इसको प्रिंट आउट लेके आओ कलर में। तो उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा एंड वहीं से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया एंड दिमाग काम करना बंद कर दिया मेरा। इसके बाद फिर मैं दौड़ते दौड़ते गया इतना धूप में पसीना में, लगभग 100-150 मीटर था वहाँ से, प्रिंट आउट लेके आया, उसके बाद जाके इनको दिखाया, तब जाके मेरा अराउंड मेरे को लग गया 1 hour 15 minutes में मेरा कंप्लीट होने में लग गया सारा प्रोसेस। बट जिसका सारा डॉक्यूमेंट सही था उनको तो एक ही बार में 15 मिनट में कंप्लीट, 20 मिनट में कंप्लीट, सब कोई का बस जेरोक्स देख रहे थे एंड ओरिजिनल देख रहे थे और हो गया। एंड ग्रेजुएशन और 12 के बारे में बात करें तो वो चेक नहीं कर रहे थे ओरिजिनल, बस बोल रहे थे अगर तुम्हें लगाना है तो तुम लगा सकते हो, वैसे हम चेक नहीं करेंगे, हमें बस इंस्ट्रक्शन दिया है कि बस 10th देखने के लिए। तो वो बस 10th देख रहे थे एंड मैंने सारा लगा दिया, ग्रेजुएशन एंड 12th सारा ही लगा दिया। अगर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड जो ओबीसी का स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि ओबीसी का क्या सीन है वो पता करके आना, तो ओबीसी का मैं बता दूँ फॉर्म का लास्ट डेट था भरने का 21 मार्च 2021, इससे 3 साल पहले, मतलब 21 मार्च 2018 का है
और उससे बात का है तो 3 साल के अंदर आपका चल जाएगा। और AWS में प्रोविजनल का कोई सीन नहीं था, अगर आपका लेट का है आपको सीधा UR में डाल रहे हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म में भरवा रहे हैं जिसमें जिससे कि आपको UR में कंसिडर करेंगे। एंड जो मतलब आर्ग्यू कर रहे हैं नहीं मेरे को प्रोविजनल में रहना है, मैं अपने डिपार्टमेंट में देख लूँगा, तो उसको बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते, कैंडिडेचर कैंसिल करवा लो, तो वो लोगों को सीधा UR में डाल रहे हैं। अगर आपका वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर सही है, वैलिड ईयर होगा आपका 2020-2021 एंड फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 2019-2020 का रहेगा, इसके बीच में है आपका, कोई सा भी डेट में बना हुआ है तो चल जाएगा। और बाकी 10-12 का हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट का बता दिया, और जो भी इशू है आपका और उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड और कोई भी इशू है, सेंट्रल स्टेट का EWS में पूछ रहे थे कि कोई वैसा सीन वीन नहीं था, सबको इजीली मतलब क्लियर कर रहे थे, हिंदी इंग्लिश सेंट्रल, और कोई कोई पूछ रहा था HDO का साइन, ये सब कुछ नहीं देख रहे थे, बस देख रहे थे कि आपका फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर सही है तो चल जाएगा। ऐसा ही सीन OBC में भी था, OBC में भी HDO का साइन, ये वो कुछ नहीं देखते थे, बस आपका डेट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेनली तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट में इशू होता है तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो यस, फाइनली कम्प्लीट हो गया है, एंड अगर आपका भी हो गया है तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ कि आप और मैं दोनों फाइनल लिस्ट में अपना नाम जरूर देखेंगे। सो यस, कंप्लीट हो गया, मैं चलता हूँ अपने घर, एंड आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।